गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ अर्थशास्त्र सीरीज, जहां हम इकोनॉमी को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं फॉर प्रीलिम्स 2024। हम ये कैसे करने वाले हैं, हम इसको करंट एंड स्टैटिक को लिंकेजेस करके हम करंट के भी टॉपिक्स कवर करेंगे एंड स्टैटिक के भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू टेल यू, फर्स्ट लेक्चर ने आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वी हैव क्लोज टू 2000 लाइक्स एंड इस वीडियो का भी हम एम रखेंगे एटलीस्ट 1500 लाइक्स सो दैट वी टेक दिस थर्ड सेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर ये कंप्लीट होगा क्या नहीं, सर इसमें बजट होगा या नहीं। आई वुड लाइक टू टेल यू, इसमें बजट भी कवर होने वाला है, इसमें जो भी इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स आएंगे आपके प्रीलिम्स तक वो कवर होंगे, जो भी स्टैटिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर होने वाले हैं। तो अगर आप इसको एंड तक फॉलो करोगे देयर वुड बी, आपको कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, आपने बहुत सारे नोट्स पढ़े होंगे, बुक्स पढ़े होंगे, लेकिन व्हाट हैपेंस इन आर प्रिपरेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू लिंकिंग दो स्टैटिक सब्जेक्ट्स, आपके बुक्स वाले कौन से बुक्स में ही रह जाते हैं, वो न्यूज़पेपर से जब तक आप लिंक नहीं करते हो उसका होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है, उसका एक जो अप्रोच है उसका जो इंपॉर्टेंस है दैट इज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन योर पेपर। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे PYQs में देयर इज स्टैटिक, दैट इज करंट एंड स्टैटिक लिंकेजेस, उसी बेसिस पर हमने ये सेशंस कंप्लीट किए हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट इज एंश्योर कीजिए कि आप लाइव अटेंड कीजिए, अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो एंश्योर कीजिए कि पूरा सेशन एंड टू एंड देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज वी आर गोइंग टू गिव यू नोट्स आफ्टर द सेशन, डिस्क्रिप्शन में मैंने बॉक्स डाला है, आपको नोट्स वहां मिलेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई हैव टोल्ड यू, ये सीरीज कंप्लीट होगा, देयर वुड बी सर्टन गैप्स बीच बीच में बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सनल रीजंस, थोड़ा गैप आ सकता है लेकिन कंप्लीट होने वाला है। सो बिफोर प्रीलिम्स योर एंटायर इकोनॉमी वुड बी डन थ्रू दीज लेक्चर्स एंड यू डू नॉट हैव टू लुक फॉर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका बेसिक्स डन है तो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, यूपीएससी प्रिपरेशन में वन इंपॉर्टेंट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंटली आप इन लेक्चर्स को देखोगे दैट would definitely bring a change in your preparation. सबसे important part, सबसे important जो barrier है among UPSC aspirants, what I can see is with respect to consistency. What I felt in these days, तो consistency आप इस sections, इस series के through आप दिखाएंगे, तो definitely result मिलेगा। So before starting the second lecture, let's revise in very quick moment कि what we covered in the first lecture. The first lecture में हमने क्या देखा? So revision उसका भी बहुत important है. तो we started with balance of payment. Balance of payment क्यों start किया? हमने देखा कि current account deficit 1% पर आ गया है, which has decreased, which is a good thing for India. अब ये क्यों बड़ा कम हुआ है? क्योंकि हमारा trade deficit कम हुआ है, हमारा services exports बड़े हैं, तो ये एक important चीज है. Then we looked into RBI maintains current balance of payment into two formats. एक है ओल्ड फॉर्मेट, एक है न्यू फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट का BPM6 नाम है। साइड बाय साइड वी स्टडीड अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फाइनेंस अकाउंट क्या होता है, रुपी डेट सर्विस क्या होता है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डेट सर्विस रेशियो क्या होता है, दैट ऑल्सो वी लुक्ड इनटू, रुपी डोमिनेटेड डेट किसको बोलते हैं एंड वाई इट इज मतलब ये क्या होता है ये भी हमने देखा। देन माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ देखा एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देखा, तो ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा तो वी लुक्ड इनटू ट्रेड, हमने उसको लिंक किया कि हमारा ट्रेड में विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज क्या स्टेटस है, हमने वो पहले चीजें कवर की। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में यू हैव रिमिटेंस ऑल्सो, तो रिमिटेंस वॉज ऑल्सो इन न्यूज, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था, कौन सा रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट था, हमने पूरा रिमिटेंस कवर कर लिया, कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा आता है, कौन से रीजन से सबसे ज्यादा आता है, कौन से सीक्वेंस देख लिया, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है विद रिस्पेक्ट टू फॉरन रिमिटेंस, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड रिमिटेंस की वजह से वॉट वी हैव सीन इज जब हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, एंड मेजरली बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव इसलिए भी है, एक तो रीजन कैपिटल अकाउंट है एंड दूसरा मेजर रीजन इज फॉरेक्स रिजर्व, अब दूसरा मेजर रीजन इज रिमिटेंस। तो जब ये रिमिटेंस एंड कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो व्हाट वी सी इज राइज इन फॉरेक्स रिजर्व, जब हमने फॉरेक्स रिजर्व देखा तो वी लुक्ड इनटू एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू फॉरेक्स रिजर्व, तो ये सारी चीजें हमने अब तक कवर की है। सो होप यू हैव गॉट थ्रू दिस कि हमने कैसे स्टार्ट किया है। अब इस सीरीज को हम कनेक्ट डॉट्स कनेक्ट करते चलेंगे, हमने स्टार्ट एक चीज से किया है, ट्रेडिशनल वे में हम स्टैटिक सिलेबस से कवर करते हैं लेकिन हमने करंट से स्टार्ट किया है एंड आप अगर आप देखोगे साइड में आपका स्टैटिक पार्ट भी बहुत सारा कवर होने वाला है। तो सेकंड लेक्चर में एज वी हैव सीन
जो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था इज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेक्स रिजर्व. फॉरेक्स रिजर्व में इफ यू हैव सीन फॉरेन करेंसी एसेट होता है, मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि इट इज हाउ इट इज मेंटेन्ड. इट इज नॉट इन द फॉर्मेट कि डॉलर डायरेक्टली गवर्नमेंट आरबीआई ने अपने लॉकर में डॉलर्स रख दिए या पाउंड्स रख दिए, वैसे नहीं होता है. द मेजर इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द अदर कंट्रीज. जैसे हमारे टी बिल्स होते हैं, जी सेक्स होते हैं, वैसे ही दूसरे कंट्रीज के जो सिक्योरिटीज रहते हैं उसमें इन्वेस्ट किया है. सेकेंडली गोल्ड डिपॉजिट होता है. नेक्स्ट इज एसडीआर एंड रिवर्स ट्रांचे पोजिशन. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टडी टुडे इज वी आर गोइंग टू स्टडी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस टुडे. सो बेसिकली व्हाट इज रिवर्स ट्रांजिट पोजीशंस. तो जब भी अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट देखोगे तो हियर यू विल फाइंड इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रिवर्स ट्रांजिट पोजीशन. तो आज हम एसडीआर रिवर्स ट्रांजिट पोजीशंस क्या होता है ये जानेंगे, उसके साथ हम आईएमएफ भी कवर करेंगे. एंड आईएमएफ इज इन न्यूज, 10 टू 15 आर्टिकल्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू आईएमएफ दिस ईयर. Few of the important reasons, सब कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन यह आज का सेशन कंटिन्यू में देखिए. तो रिवर्स ट्रांसफर पोजीशंस क्या होता है? सो बेसिकली दीज आर सेगमेंट ऑफ कंट्रीज कोटास इन द आईएमएफ दैट कैन रेडिली एक्सेस टू मीट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स और टू बूस्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो हमारा कोटा होता है, एवरी कंट्री हैज टू डिपॉजिट टू आईएमएफ. आईएमएफ इफ दे वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ आईएमएफ दे हैव टू डिपॉजिट सर्टेन करेंसीज इन द फॉर्म ऑफ रुपी लोकल, उसका लोकल करेंसी हो गया या फिर एसडीआर हो गया या फिर गोल्ड हो गया या फिर फॉरेन करेंसी में, उसको एज अ मेंबरशिप फीज इट हैज टू बी डोनेटेड टू आईएमएफ एंड पार्ट ऑफ इट कैन बी यूज. जो डिपॉजिट किया है कंट्री ने, इफ आई एम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ आईएमएफ, सो जो जो मैंने कोटा, मुझे कोटा मिला है, जो मैंने मेंबरशिप फीस डिपॉजिट किया, कंसिडर इट एज अ मेंबरशिप, उसमें से कुछ पार्ट आई कैन टेक बैक इन केस ऑफ इमरजेंसी. ऐसे पार्ट ऑफ कोटा is considered to be reverse transfer position. So basically this is a part of our quota which we have given to IMF, lekin usme se bhi kuch part we can take back in the form of reverse transfer position. Isko hum kya bolenge, quota ka bhi kuch part hum use kar sakte hain hamare balance of payment crisis ko deal karne ke liye, agar hamare forex reserve ko badhane ke liye hum use kar sakte hain. So basically if you see, agar isko usage dekhenge to they can मतलब कंट्रीज कैन ड्रॉ अपॉन द आरटीपी विदाउट स्ट्रिंजेंट कंडीशन. सो कोई भी, इफ आज आपको इंडिया को लगा कि इंडिया ने जो कोटा सबमिट किया है उसमें से कुछ इमीडिएटली इंडिया को चाहिए, इंडिया इमीडिएटली विदाउट एनी कंडीशन कैन गेट बैक टू इट. एंड दीज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारा अगर इमीडिएटली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है तो हम उसको डील कर पाएंगे. अगर कोई करेंसी रिलेटेड इशूज आ रहा है, हमारा रुपी डिप्रिसिएट हो रहा है, अप्रिसिएट हो रहा है, या हमारा फॉरन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है, तो वी कैन यूज इट एंड दिस कैन बी यूज. मतलब ये कोटा फ्री हो, ये इंटरेस्ट फ्री रहेगा, इसको इस पर कोई आईएमएफ इंटरेस्ट नहीं लगाया. अगर इंडिया ने उसके कोटा में से अगर कुछ पार्ट विच इज कंसिडर्ड एज रिवर्स ट्रांसफर पोजीशन अगर उसने यूज किया तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. अगर इसके बाद आरटीपी के बाद लिमिट के बाद अगर कुछ यूटिलाइज किया तो हमें इंटरेस्ट लगेगा. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, रिवर्स ट्रांसफर पोजीशन इज अ पार्ट ऑफ कोटा विच इंडिया कैन यूटिलाइज, एनी कंट्री कैन यूटिलाइज, मतलब इंटरेस्ट फ्री है, इंपॉर्टेंट है. एंड ठीक है, तो यही चीज हमने बोला है. एंड ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है. बेसिकली रिवर्स ट्रांसफर पोजीशंस कब यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए इसको यूज करते हैं, एक इंपॉर्टेंट है. आप लॉन्ग टर्म के लिए आरटीपी यूज नहीं कर सकते, ये मैकेनिज्म यूज नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट क्या है, आरटीपी को एक अदर नाम है, एक इंपॉर्टेंट यू शुड नो, बिकॉज इट इज नोन एज फैसिलिटी ऑफ फर्स्ट रिसॉर्ट. फैसिलिटी ऑफ फर्स्ट रिसॉर्ट क्योंकि जब भी इफ एनी कंट्री हैज एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स द फर्स्ट थिंग दे गो टू इज आईएमएफ एंड आस्क फॉर देयर रिवर्स ट्रांसफर पोजीशंस, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री है, इट इज देयर राइट. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, अगर यूपीएससी आस्क यू व्हाट इज फैसिलिटी ऑफ फर्स्ट रिसॉर्ट, इट इज बेसिकली रिवर्स ट्रांसफर पोजीशन. तो एक इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कम, एज आई हैव टोल्ड यू, ये कोटा जो उतना होता है, बेसिकली यू कंसिडर, अगर कोटा समझना है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फीस. तो कोटा, आईएमएफ का कोटा क्या होता है? So you have to understand this concept because this concept is related. Abhi 2023 mein there was a decision with respect to 16th general quota jo meeting hua tha. Wo samajh aayega jab aapko ye quota concept samajh aayega. So basically IMF quota is a financial commitment or subscription that a member country makes to the IMF. So basically it's a subscription or commitment. So basically it is in the form of जो वी एज अ कंट्री अग्रीज टू गिव टू आईएमएफ इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन. एंड दिस सब्सक्रिप्शन गिव्स, जब आप ये कोटा फुलफिल करते हो, इन रिस्पेक्ट टू दिस कोटा व्हाट यू गेट इज फाइनेंशियल एंड वोटिंग पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो वंस यू गेट अ कोटा, वंस यू गिव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टू आईएमएफ, यू गेट स्पेसिफिक पावर विद रिस्पेक्ट टू दिस कोटा राइट्स. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है. एंड जो कोटा होता है, इसका जो यूनिट होता है, ये एसडीआर में होता है. एसडीआर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि कोटा हर एक कंट्री का
कितना कोटा होगा उसका यूनिट एसडीआर है। अब ये कोटा कैसे डिसाइड होता है, कोटा इज बीन डिसाइडेड बाय अ फॉर्मूला। हर एक कंट्री का क्या कोटा रहेगा, कितना उसको वोटिंग पावर मिलेगा, ये डिसाइड होता है फॉर्मूला से। बेसिकली इट इंक्लूड्स जीडीपी कितना है कंट्री का, ओपननेस कितना है, वेरिएबिलिटी कितना है एंड उसका रिजर्व क्या है। बेस्ड ऑन दिस व्हाट IMF decides इस कंट्री का इतना कोटा है, बेस्ड ऑन दैट कोटा यू गेट वोटिंग राइट्स। तो ये सारी चीजें कोटा बेस्ड होता है। तो आप ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट IMF में जमा करके यू कैन गेट अनलिमिटेड कोटा, ऐसा नहीं है। एवरी कंट्री हैज स्पेसिफिक कोटा, तो एक इंपॉर्टेंट है। तो IMF कोटा इज डिसाइडेड बाय दिस फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर ऑन बेसिस ऑफ व्हिच द कोटा इज डिसाइडेड। सो वन इज जीडीपी, ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी, वेरिएबिलिटी एंड रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, ये बेसिस पर डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज इफ यू सी how country pays this quota is paid basically in 25% of is paid in widely accepted foreign currencies or SDR and remaining 75% in own currency, is tarike se. So if India has got a quota, IMF ne bola ki if India wants to become a membership based on this formula, they have to submit certain 1 lakh SDR. So 1 lakh SDR mein se 25% could be in foreign currency or SDR and remaining we would convert that, matlab remaining in our local currency also we can submit that amount. So ek important cheez hai. Next is what does quota give you? So once you have deposited certain amount with IMF, IMF aapko kya deta hai? It gives you financial resources. So basically, ठीक है, तो बेसिकली कोटा डिसाइड्स कि कितना फाइनेंशियल रिसोर्स कंट्री कंट्रीब्यूट करेगा आईएमएफ को। सेकंडली इट डिसाइड्स योर वोटिंग पावर। सो बेस्ड ऑन दिस कोटा आपको कितना कोटा अलोकेटेड है, बेस्ड ऑन दिस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको कितना वोटिंग पावर मिलेगा। एक्सेस टू फाइनेंस, अगर आपने कोटा ज्यादा सबमिट किया तो यू कैन गेट मोर फाइनेंस फ्रॉम आईएमएफ, ठीक है। एंड लास्ट इज एसडीआर एलोकेशन। एसडीआर जो होते हैं, जो एक रिजर्व एसेट्स है, वो कितना आपको मिलेगा वुड बी डिसाइडेड ऑन दिस कोटा। तो ये सब कुछ किस पर डिपेंडेड है, कोटा पर। सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज इफ यू सी दिस न्यूज आर्टिकल, सीतारमन आवर फाइनेंस मिनिस्टर पिचेस फॉर स्ट्रॉन्ग कोटा बेस्ड एंड एडिक्वेट रिसोर्स आईएमएफ। तो इन्होंने क्या बोला है रिसेंटली, तो ये कोटा जो डिविजन होता है इट हैपेंस एवरी 5 years, ये happen, मतलब regular interval पर होता है। And जब कोटा, जब general कोटा review बोलते हैं, which is मतलब it takes at least every 5 years, तो मतलब every 5 years में ये होना ही है। तो जो 14th general कोटा review था, 14th general कोटा review it happened in 2016, 15th कोटा review हुआ था, लेकिन इसमें कोई कोटा चेंजेस नहीं कर दिए, कोई कंट्री के कोटा में कोई चेंज नहीं आया। रिसेंटली 16th कोटा जनरल कोटा रिव्यू हुआ December 2023 में, there it was decided कि overall quota हम 50% से increase करेंगे। अब लेकिन ये किसको divide करेंगे, ये quota अभी तक decide नहीं हुआ। तो basically ये चीज आपको पता चाहिए with respect to general quota review। तो इसमें क्या है कि हर एक country का कितना quota होगा ये decide होगा, and based on this your voting power is decided as I told you। तो अभी सबसे ज्यादा quota किस कौन सी कंट्री देता है या किसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है, ये सबसे ज्यादा यूएस के पास है। नेक्स्ट इज जापान एंड चाइना हैज अराउंड 6%, जर्मनी हैज 5.3% एंड फ्रांस यूके हैज 4%। इंडिया के पास इतना वोटिंग शेयर है, कोटा इससे थोड़ा सा ज्यादा 2.76% है, लेकिन व्हाट वी हैव इज वोटिंग शेयर 2.63 है। तो कोटा के हिसाब से ऑन विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको वोटिंग पावर मिलता है। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक में भी हमने प्रीवियसली देखा, वर्ल्ड बैंक में भी व्हाट वी हैव इज लार्जेस्ट शेयर किसका है, 16% यूएसए का है, फॉलोड बाय जापान 7% है, चाइना 4.5% है एंड इंडिया इज 2.9%। So what is happening, यहाँ mains related एक topic आपको concept समझना चाहिए। What is happening is because of this wide deviation with respect to quota and voting rights, what has happened is various developing countries are demanding that these multilateral institutions should be reformed and the developing countries should have more voting power, more say in this multilateral organization, multilateral banks होते हैं, उसमें more say चाहिए, and for that they want a quota reform, and they say that India says that more quota should be given to developing countries, more power should be given to developing countries। अगर आप देखोगे तो there has been a consensus between EU and USA। यूएसए ऐसा होता है कि जो वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन होगा वो यूएसए से होगा, एंड आईएमएफ का जो चेयरमैन होगा वो कहां से होगा, वो होगा ईयू से। ये ऐसा क्यों है, बिकॉज इनके पास सबसे ज्यादा कोटा है, सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है, सो दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड यूएस एंड ईयू। यहां इंडिया का कोई बंदा नहीं बन सकता, दो अजय बंगा हु इज एन यूएस सिटीजन हैज बिकम अ मेंबर, हु हैज बिकम अ चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक, बट ही इज नॉट, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है। तो इंडियन और अफ्रीका से कोई इसका चेयरमैन नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास उतना पावर ही नहीं है। जब वोटिंग होती है तो मेजोरिटी वोटिंग इनके पास है, इसलिए इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन आता है कि SDR, as I've told you, इसमें क्या होता है, इसमें तो बेसिकली IMF जब बना था, तो यूजुअली जब कंट्री ए एंड बी ट्रांजैक्शन कर रही है तो ये किस में करती थी, ये दे यूज टू डू आइदर इन गोल्ड या फिर डॉलर्स में करती थी. अब क्या हो रहा है, आर्टिफिशियली गोल्ड इज लिमिटेड या डॉलर्स कौन तैयार कर रहा है, यूएसए तैयार कर रहा है. सो द लिमिट, देयर वाज अ लिमिट विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड आर्टिफिशियली इनके प्राइसेस बढ़ रहे थे. एंड मतलब इफ आई वांट टू डू अ डील विद एनी अफ्रीकन कंट्रीज आई हैव टू गेट दिस गोल्ड और डॉलर्स एंड देन ट्रांजैक्ट. तो ये क्या हो रहा था, एक मतलब देयर वाज एन आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी व्हिच वाज क्रिएटेड एंड व्हिच हैम्पर्ड द ट्रेड. अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट IMF did was, IMF created a new reserve asset. New reserve asset मतलब this is not a currency, एक important है, this is not a currency, this is an asset which can be utilized to settle the trade, which can be used for ensuring that the balance of payment का जो problem आ रहा था because of this using of limited currency, ये solve हो सके. This asset can be used in case of any emergency, financial emergency. तो एक SDR का नाम का उन्होंने, they created an artificial currency unit and that is known as SDR. तो SDR अगर हम detail में समझेंगे then you will understand what is SDR. ठीक है, तो basically SDR is not a currency and it is a reserve asset, can be converted. Though it can be converted into any other currency but ये you cannot directly trade with SDR. डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड होता है. बेसिकली इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी एंड इट इज आर्टिफिशियल करेंसी यूनिट. एंड एज आई टोल्ड यू, SDR इज अलॉटेड बाय IMF टू कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर कोटा शेयर. अब व्हाई SDR वाज इंट्रोड्यूस्ड, एज आई टोल्ड यू, SDR वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज वी डिड नॉट, मतलब there was a concern that there would not be enough gold and widely accepted currencies. तो ऐसा होगा situation कि सब लोग gold के पीछे भागेंगे, dollars के पीछे भागेंगे to settle the trade. तो ऐसा रोकने के लिए, because we cannot have an artificial what do you say, scarcity of these important commodities and the entire global trade would be dependent only on these two reserve assets. So to have one additional reserve asset which can be easily traded, SDR was created. It would also focus on supplementing the reserves. So our forex reserve, usko supplement bhi karta tha SDR se, and less reliance on key currencies. So it would reduce, agar trade, if SDR can be easily traded with other currencies, kya hoga? To reliance on हमारा जो डॉलर्स है वो कम होगा. तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए. सो बेसिकली अब SDR, as I've told you, SDRs are given by IMF to countries. IMF to country. अब SDR IMF ने कंट्रीज को देता है, तो कंट्री डायरेक्टली SDR से ट्रेड नहीं कर सकती है. व्हाट कंट्रीज कैन डू इज दे कैन ट्रेड दीज SDRs विद अ कंट्री बी, जिसके पास ऑलरेडी गुड फॉरेक्स रिजर्व है उसके साथ वो ट्रेड कर सकती है. वो ए कंट्री बी को क्या देगी, SDR देगी, एंड बी कंट्री क्या देगी, they would give them जो भी required currency है. Then this country A would take this currency and buy certain things. They can buy vaccines या they can buy any product. तो basically SDR would act as a mean of settling the balance of payment. तो एक important है. अभी presently जो unit है SDR का, it is decided on 5 currencies. ये 5 currencies है, उसका price, SDR का price is based on 5 currencies. कौन सा है, it is based on US dollar, EU, Chinese renminbi, Japanese yen and British pound. So based on these 5 currencies, उसका price dependent होता है. ठीक है, तो ये एक important चीज़ है. So basically it's a reserve asset which can be used by countries in case of balance of payment, to increase their forex reserve, उसके लिए use कर सकते हैं. अब जो इसका price है, अब ये as why only 5 currencies are included into it, because IMF ने बोला है कि there are 2 criteria. If any currency want to be into that, the country has to fulfill 2 criteria. First क्या है, export criteria. If Indian rupee want to be into that basket, तो क्या करना पड़ेगा, 2 criteria. First is India has to be in one of the top 5 world's exporters. अभी है क्या, नहीं है, तो top 5 exporters होना चाहिए. And secondly, it should be freely usable होना चाहिए. It should be accepted by anyone. तो अब क्या है, रिसेंटली जो लास्ट करेंसी इसमें ऐड हुई थी वो चाइनीज रेनमिनबी थी. तो बेसिकली अभी 5 करेंसीज है इसमें. अब इसका वैल्यू होता है SDR का, विच चेंजेस डेली. जो SDR का प्राइस है, इट चेंजेस डेली. अभी क्लोज टू 1 SDR इज इक्वल टू $1.3 है ये इसका प्राइस है. ये डेली चेंज होता है. बास्केट रिव्यू एवरी 5 ईयर्स में होता है. अगर कोई नया करेंसी इसमें ऐड करना है तो एवरी 5 ईयर्स होगा. तो एक इंपॉर्टेंट है. अब हु कैन होल्ड SDR, तो ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री SDR होल्ड कर सकता है, ये रिजर्व होल्ड कर सकता है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप या मैं, क्या कैन वी होल्ड SDR, नहीं. तो इसमें IMF ने बोला है कि हु कैन होल्ड SDR, तो SDR कैन बी होल्डेड बाय
IMF हो सकता है, IMF member countries हो सकता है, या regional central banks हो गया, intergovernmental monetary institutions and development banks, ये countries और ये institutions SDR को hold कर सकते हैं, private players and individuals cannot hold SDR, तो एक important है, only the following जो यहाँ दिया है, ये मैंने IMF के website से निकाला है information, तो ये क्या कर सकते हैं, ये SDR को, मतलब they can hold the SDR, ठीक है, अब SDR, तो बेसिकली SDR कैन नॉट कैन ओनली मतलब ऐसा नहीं कि SDR कैन बी यूज्ड ओनली टू सेटल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा नहीं है दे कैन बी यूज्ड टू गिव लोन टू पुअर कंट्रीज तो बेसिकली दीज SDR आर समटाइम गिवन बाय अ रिच कंट्री टू पुअर कंट्री इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड दे द पुअर कंट्री वुड टेक दिस SDR एंड बाय सर्टन अदर फॉरेन करेंसी एंड थ्रू दैट फॉरेन करेंसी वुड बाय सर्टन गुड्स तो ये एज अ लोन भी दिया जा सकता है as it would act as a forex reserve as I've told you the country can keep this as a forex reserve kyunki isko as a based on their quota unko milta hai and as why it is forex reserve because it can be converted into any other currency theek hai and third is indirectly for trade nahi lekin indirectly for trade isme se kya karna padega aapko you have to convert first this SDR into freely usable currency and then buy certain products to ye ek important cheez aapko pata chahiye so basically what we did was humne yahan dekha humne we looked into two parts first is reverse transfer positions revert transfer positions kahan se aa raha hai jo quota aapne submit kiya usme se kuch part can be accessed through reverse transfer positions and quota ke basis par hame sdr milta hai which is like a reserve asset which is not a currency but a currency with international accounting unit hai and which can be matlab traded for freely usable currency wo ek reserve hai which imf has given each and every country theek hai to ek important cheez aapko pata chahiye theek hai theek ठीक है नेक्स्ट इज अब आईएमएफ लास्ट सेशन में हमने वर्ल्ड बैंक पूरा देख ला आईएमएफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएमएफ हैज बीन इन न्यूज मैं आगे बताऊंगा लेकिन टू गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमएफ यहां आप कंफ्यूजन कर सकते हो तो ये भी एक यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिटन वुड्स जो हुआ था तब एस्टैब्लिश हुआ था अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक इसको ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं 189 कंट्रीज इसके पार्ट है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सबको लगता है कि पॉवर्टी रिडक्शन इज ओनली द फॉर्मेशन ठीक है पॉवर्टी रिडक्शन इज द ओनली फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं है रिड्यूस पॉवर्टी इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आईएमएफ आईएमएफ वर्क्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग पॉवर्टी आल्सो लेकिन इसका मेजर एम क्या है टू फोस्टर ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन करना अमंग कंट्रीज टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करना टू फैसिलिटेट बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड टू बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को एंश्योर करना एंड बैलेंस ट्रेड एंश्योर करना एंड एंश्योर दैट नो कंट्री इज फेसिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है नेक्स्ट इज इट गिव्स टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सर्विलेंस ओवर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए कि इसका रोल क्या क्या है आईएमएफ का पॉवर्टी रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आगे एक इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगा थ्रू विच आईएमएफ का एक आर्म है विच इज बीन यूटिलाइज और जिस वजह से आईएमएफ वर्क्स और थ्रू दैट यूनिट आईएमएफ वर्क्स टू रिड्यूस पॉवर्टी तो आईएमएफ के रोल आपको समझ आए होंगे एंड टू फोकस ऑन द सर्विलेंस पार्ट आईएमएफ रिलीजेस टू इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट है इसमें वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मैंने कल भी बताया था ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सो बेसिकली बोथ ऑफ दिस रिपोर्ट फोकसेस ऑन सर्विलेंस गिविंग एन आइडिया अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस दो रिपोर्ट के थ्रू IMF हमें बताता है तो ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको पता चाहिए IMF की हमने वर्ल्ड बैंक के दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बताए थे इन द लास्ट लेक्चर प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन से दो रिपोर्ट हमने बताए थे विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड बैंक जो न्यूज में थे अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो न्यूज में है आपको लगेगा ये IMF का रिपोर्ट है लेकिन IMF का नहीं है जो न्यूज में था जनवरी 2024 का रिपोर्ट है जनवरी 2024 अगर आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो द हिंदू का आर्टिकल है आप पढ़ लेना इट सेज इंडियन इकोनॉमी आउटपरफॉर्म्स ऑल द अदर इकोनॉमी अब ये रिपोर्ट कौन सा था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 अगर आपको लग सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसका है IMF आप लिख सकते हो IMF है लेकिन ये IMF का नहीं यूनाइटेड नेशंस का है एंड यूनाइटेड नेशंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए एंड एवरीथिंग इट सेज इज ये क्या बोलता है कि हर एक रिपोर्ट क्या बोल रहा है इंडिया इज डूइंग वेरी वेल कंपेयर टू अदर्स इंडिया का ग्रोथ वुड बी समवेयर 6.4% हो सकता है तो एक इंपॉर्टेंट है तो सब कंट्रीज यही बोल रहा है 6.2 to 6.4% तो ये रिपोर्ट न्यूज में था तो आई थॉट ऑफ कवरिंग यहाँ कंफ्यूजन इसका हो सकता है कि ये रिपोर्ट इज नॉट बाय IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट नहीं ये UN का रिपोर्ट है नेक्स्ट इज इफ यू सी द न्यूज आर्टिकल पाकिस्तान इज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एज एवरीवन नोस एंड पाकिस्तान रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आर्टिकल दे हैव बीन
begging in front of IMF ki hame loan de do, and while giving loan, it IMF has various facilities or various ways to give loans to countries depending ki wo kya crisis face kar rahe hain. Isme agar aap news article padhoge to yahan dekhoge this standby agreement, under standby agreement or standby agreement IMF is planning to give loans to Pakistan. Ab standby agreement kya hai and कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो न्यूज में है, ये सारे एग्रीमेंट्स में जो या फैसिलिटीज डिस्कस करूंगा, जो टर्म्स डिस्कस करूंगा, ये सारे न्यूज में है. ये द हिंदू का आर्टिकल है, जनवरी 2024 का आर्टिकल है, आपको पता चाहिए. ठीक है, इंडिया पर्सपेक्टिव से इंडिया ने कब लोन लिया था, इंडिया ने लास्ट लोन लिया था मतलब 1990 जो क्राइसिस था तब इंडिया ने लोन लिया था. लास्ट टाइम वी टुक मतलब एनी क्राइसिस मतलब 1993 के बाद कोई इंडिया ने लोन नहीं लिया आईएमएफ से. You will be happy to know that India recently participated in FTP program. मैं discuss करूँगा FTP, ये news में है FTP program. FTP program through which India helped IMF to give loans to the developing countries या जो balance of payment crisis face कर रहा है. India ने funds दिए थे to IMF to help so that IMF can help the other countries. तो FTP program में हम discuss करेंगे. लेकिन 1993 के बाद India ने कोई loan नहीं दिया है. जो loan लिया था previously 1990 crisis में वो हमने 2000 में पूरा clear कर दिया. तो ये एक important चीज आपको पता चाहिए. I want everyone's attention. No one is going to go. तो मैं last में हम revise भी करेंगे चीजों को. तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. 1993 के बाद इंडिया ने कोई लोन नहीं लिया. 2000 तक हमने प्रीवियस सारा लोन्स था वो हमने पे बैक कर दिया. एंड नाउ वी आर हेल्पिंग आईएमएफ. ठीक है, अब ये कौन से एग्रीमेंट्स हैं या कौन से फैसिलिटीज हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स न्यूज में है. यूपीएससी ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा है प्रीवियसली. तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जैसे हमने देखा था, स्टैंड बाय एग्रीमेंट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. तो शॉर्ट टर्म के लिए वॉट इज गिवन by IMF is standby agreement. Then we have standby credit facility. Basically, it is given financial assistance given to low income countries with short term balance of payment needs. Okay? And not just payment need, it is also given if any country is facing huge balance of payment crisis face kar raha hai, jo low income countries hai, toh ye standby facility use kar sakta hai. And this facility comes under an important trust. So IMF ke under we have poverty reduction and growth facility hai. Basically, it is an arm of IMF which lends to world's poorest countries. So basically, ये एक important और एक facility आपको पता चाहिए, poverty reduction growth facility through which IMF lends to the poorest countries. And this facility is under poverty reduction and growth trust hai, which is one of the arms of IMF which works towards reduction of poverty. Through that trust ek facility hai, ek financial facility is there which is given to world's poorest countries to reduce poverty. Standby credit facility is low income countries ke liye short term facility hai to deal with poverty, to deal with balance of payment crisis. Ye ek important hai. Then we have extended fund facility which is given for medium term balance of payment problem because of structural weakness. Agar koi country mein structural weakness hai and if they are facing medium term balance of payment, to extended fund facility diya jati hai. Extended credit facility bhi hai which is given to low income countries. And next we have resilience. Ye ek important term hai, resilience and sustainable facility, which is affordable long term finance to countries undertaking reforms to reduce risk of prospective balance of payment. Agar if any country is trying to take reforms with respect to dealing with balance of payment crisis, jaise India ne 1991 mein liya tha, to during that time resilience and sustainable facility ka use karse IMF funds de sakta hai. Then we have precautionary and liquidity line which is designed to give liquidity to members with sound economic fundamentals but some remaining vulnerabilities. Agar kuch matlab unke fundamental strong hai lekin agar kuch temporary problem hai to aise situation mein precautionary and liquidity line de sakta hai. To ye terms maine isliye liye hai kyunki UPSC ne aisa question pucha hai ki what is extended credit facility kaun deta hai, resilience and sustainable facility kaun deta hai, and at least aapko poverty and growth reduction facility kaun deta hai. To yahan aapko world bank lag sakta hai lekin ye IMF ka part hai, IMF ki ek funding facility hai, IMF ka ek loan hai. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे मैंने बताया कि जब इंडिया की बात आती है, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान ऑफ आईएमएफ, ये रीसेंट का न्यूज है. एंड तो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान क्या है, तो आईएमएफ क्या करता है, कुछ वेरी गुड कंट्रीज
उसका जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा है, जिसका फॉरेक्स रिजर्व है, उनको सिलेक्ट करता है एंड दे मतलब जब सिलेक्ट करता है तो उनका एक पूल तैयार करता है. सो इंडिया इज बीन सिलेक्टेड इनटू दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान एंड एज इंडिया सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है, इट आस्क्ड इंडिया टू सबमिट सर्टन अमाउंट इन दिस पूल एंड नाउ दिस पूल इज गिवन टू कंट्रीज विच नीड दिस फंड इन अ इमरजेंसी वे. तो ये क्या कर सकता है, इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड इनटू दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान. यहां कंट्रीज कौन सिलेक्ट करता है, IMF सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन गुड BOP गुड फॉरेक्स रिजर्व्स एंड यहां क्या होगा, द फंड विच वॉज कलेक्टेड वुड बी गिवन टू द थर्ड पार्टी फॉर कंट्रीज हु आर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो फेस कर रहा है उनको दिया जाएगा. तो FTP आपको एटलीस्ट नाउ नाम पता चाहिए. नेक्स्ट इज कोटा से तो IMF का पैसा आता है लेकिन देर आर अदर वेज ऑल्सो थ्रू विच IMF गेट्स मनी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो. तो इसके अंडर भी इंडिया ने पैसे दिए हैं. तो न्यू अरेंजमेंट ऑफ बोरो इज अ फंड मोबिलाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ IMF टू मोबिलाइज एडिशनल फंड थ्रू बोरोइंग्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज. तो इसमें भी IMF ने नाउ इंडिया IMF हैज बोरोड फ्रॉम इंडिया अंडर दिस न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, जहां IMF ने इंडिया से बोरो किया है. तो ये न्यू अरेंजमेंट ऑफ बोरो क्या है, ये टर्म्स आ सकते हैं, ये सारे टर्म्स न्यूज में है. ऐसे नहीं कि मैं रैंडमली मुझे सिखाना है IMF इतने डेप्थ में, क्योंकि ये टर्म्स न्यूज में है. अगर आप RBI के वेबसाइट पे जाओगे और अगर आप देखोगे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व क्यों अफेक्ट हुआ है, इट इज बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स. फर्स्ट कौन सा था, FTP के वजह से हमने फॉरेक्स रिजर्व किसको दे दिया, IMF को दे दिया. सेकेंडली हमने न्यू अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग के अंडर कुछ फंड्स किसको दे दिया, IMF को दे दिया. तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व इस वजह से कम हुआ. एंड थर्ड इज न्यू परचेस एग्रीमेंट. न्यू परचेस एग्रीमेंट व्हाट इंडिया डिड वाज सिमिलर, ये भी एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जहां IMF क्या करता है, पैसे लेता है कंट्रीज जैसे इंडिया से, उनको एक प्रोमिसरी नोट देता है कि दे वुड रिटर्न दैट मनी बैक एंड जो पैसा IMF ने इंडिया से लिया है इट इज गिवन टू थर्ड कंट्री. अब तीनों सिचुएशन में इंडिया गेट्स सर्टन इंटरेस्ट. जब इंडिया इज गिविंग मनी टू थर्ड पार्टी इट गेट्स इंटरेस्ट इन रिटर्न. जब इंडिया खुद का फॉरेक्स रिजर्व दे रहा है टू IMF तो IMF गिव्स इंडिया एंड सर्टेन इंटरेस्ट. तो इंडिया का भी फायदा इसमें जब इंडिया लेंड करता है टू IMF थ्रू न्यू बोरो न्यू परचेस एग्रीमेंट, नोट परचेस एग्रीमेंट हो गया या न्यू अरेंजमेंट टू बोरो हो गया या फिर FTP के अंडर. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज जब हम IMF की बात करते हैं तो IMF एंड FSB have said that they are going to build international regulation with respect to cryptocurrencies. So, yeah, IMF and FSB, as I've told you, IMF ka role kya hai? IMF ka role is to have a financial security ensure karna, financial stability ensure karna, and cryptocurrencies have created that vulnerability to global financial system. Us wajah se, what IMF and FSB had decided that, IMF and FSB has decided that they would focus on crypto regulation. ठीक है. एंड दिस ये जनवरी फरवरी 2023 का न्यूज था लेकिन अब ये फाइनलाइजेशन फेज में है. ये अक्टूबर 2023 का न्यूज है जहां दिस G20 ने अडॉप्ट किया था ये IMF एंड FSB का जो सिंथेसिस पेपर है विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो रेगुलेशन ये एक्सेप्ट किया था. तो एक इंपॉर्टेंट है, ये दो न्यूज आर्टिकल थे तो आपको पता चाहिए. जब हम IMF की बात करते हैं विच इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच फोकसेस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वी हैव वन मोर ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज विच इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड विच वर्क्स टुवर्ड्स एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इसमें कौन सा, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. अब ये कब फॉर्म हुआ था, ये G20 के वक्त फॉर्म हुआ था. बेसिकली इट्स अ इंटरनेशनल बॉडी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश स्विस लॉ के अंडर एस्टैब्लिश हुई है एंड it has how many members, it has all the G20 members, along with that there are European Commission ke members, FSF ke members hote hai, to total 68 members hai isme and it is hosted, iska matlab ye kahan established hai, kahan based hai ye board Bank of International Settlement mein iska headquarter hai, that is Basel Switzerland mein. To ye kahan established hota hai, ye board kahan baithta hai, ye baithta hai Bank of International Settlement which is based in Basel, यहाँ बैठता है. Majorly इसका role क्या है, it assesses vulnerability affecting global financial system, similar to IMF, similar, इसलिए दोनों ने मिलकर क्या बोला, we'll look into हमारे जो क्रिप्टो इश्यूज है उसको देखेंगे. कोऑर्डिनेट्स विद इंटरनेशनल बॉडीज फॉर बेटर पॉलिसी डेवलपमेंट, सेट गाइडलाइंस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस, प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो ये सारी चीजें कौन करता है, ये सारी चीजें FSB करता है इन कोऑर्डिनेशन विद अदर कंट्रीज, इन कोऑर्डिनेशन विद अदर बैंक्स, स्पेशली IMF के साथ कोऑर्डिनेशन करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
को एंश्योर करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एफएसबी के बारे में पता चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, एज आई हैव टोल्ड यू, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपको पता चाहिए। बेसिकली इट सपोर्ट्स, व्हाट इज द एम ऑफ दिस बॉडी, इज टू सपोर्ट सेंट्रल बैंक परस्यूट फॉर मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सो बेसिकली इट इज लाइक अ बैंक ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। एंड एम इसका भी यही है, टू परस्यूट मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू कोलैबोरेशन ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें प्रेजेंटली 63 मेंबर्स हैं। अब हमने देखा इसका हेडक्वार्टर बेजल स्विट्जरलैंड में है। बेसिकली इसका फंक्शन भी अगर हम देखेंगे तो मॉनिटरी पॉलिसी, इट प्रोवाइड्स फोरम फॉर सेंट्रल बैंक्स टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट मॉनिटरी पॉलिसी। एवरी कंट्री वुड हैव अ डिफरेंट मॉनिटरी पॉलिसी, लेकिन इफ दे कम टुगेदर एंड डिस्कस एंड हैव अ कॉमन मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तो क्या होगा, इट वुड बी इजी फॉर द वर्ल्ड वाइड एंड इट वुड एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है। बैंकिंग सुपरविजन पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि इट सेट स्टैंडर्ड्स सो दैट नो बैंक्स शुड फॉल। तो ये क्या करता है, बैंकिंग सुपरविजन स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करता है। अब ये एस्टैब्लिश करने के लिए, बैंकिंग स्टैंडर्ड्स एंड बैंकिंग सुपरविजन एस्टैब्लिश करने के लिए, इट होस्ट बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेजल कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन किसके अंडर आता है, BIS के अंडर आता है। तो इसके अंडर वी हैव बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो एक इंपॉर्टेंट बॉडी आपको पता चाहिए, दैट इज बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो हम आगे देखने वाले हैं जब हम प्रिलिम्स देखेंगे, ठीक है। जब हम आगे देखेंगे, हम आगे जब बैंकिंग वाला पार्ट देखेंगे, CRAR देखेंगे, तब वी लुक इन टू दिस बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बहुत डिटेल में देखेंगे, बेजल नॉर्म्स देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए कि दिस FSB एंड दिस बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ब्रिंग्स आउट अ लिस्ट ऑफ ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो ये लिस्ट कौन निकालता है, ऑफ ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। सो दीज बैंक्स आर टू बिग टू फॉल। तो ऐसे बैंक्स को आइडेंटिफाई करना कि यार ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इफ दीज बैंक्स फॉल द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी वुड कोलैप्स। ऐसे बैंक्स को आइडेंटिफाई करता है कौन करता है, FSB एंड बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करते हैं। नेक्स्ट इज बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चाहिए। बेसिकली दे स्ट्रेंथन रेगुलेशन सुपरविजन एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग वर्ल्ड वाइड। तो जो बैंकिंग स्टैंडर्ड्स है उसको सेट करता है। नेक्स्ट इज कहाँ है, मैंने फिर से बताया बेजल स्विट्जरलैंड में है। एंड ये कैसे सुपरवाइज करता है, कैसे स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करता है इन द बैंकिंग सिस्टम, इज बाय गिविंग बेजल नॉर्म्स। अब ये बेजल नॉर्म्स क्या है हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन बेजल नॉर्म्स आर बेजल अकॉर्ड बेसिकली आर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस। ये बैंकिंग स्टैंडर्ड्स है विच एवरी कंट्री हैज टू अडॉप्ट, एवरी सेंट्रल बैंक हैज टू अडॉप्ट। तो बेसिकली ये बेजल नॉर्म्स बोलते हैं, बेजल अकॉर्ड्स बोलते हैं। एंड दीज आर सर्टन गाइडलाइंस, सर्टन स्टैंडर्ड सेट बाय दिस बैंक कमिटी, बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, विच एवरी कंट्री और इट्स सेंट्रल बैंक हैज टू फॉलो। एंड सेंट्रल बैंक कैसे फॉलो करता है, इज बाय गिविंग डायरेक्शंस टू ऑल द बैंक्स इन इंडिया, ऑल द बैंक्स जो उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। तो इसके अंडर भी है बेजल वन, बेजल टू, बेजल थ्री, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब इतना तो जानना जरूरी है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, टू गिव यू, हमने IMF देखा, IMF के साथ हमने देखा कि FSB भी सिमिलर रोल परफॉर्म करता है। FSB का हेडक्वार्टर इज इन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका क्या रोल है हमने देखा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंडर वी हैव बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का एक लिस्ट निकाल रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बेजल नॉर्म्स भी निकाल रहे हैं, इसको बेजल अकॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये आपको सारी चीजें यहां तक हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट वी हैव डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स ऑल्सो, जैसे ग्लोबली ऑल्सो देयर इज अ लिस्ट व्हिच इज ब्रॉट आउट बाय FSB एंड बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, लेकिन नेशनली RBI brings out a list with respect to domestically systemically important banks, जो सबसे important banks हैं इंडिया में। अगर ये fail होती है तो क्या होगा, entire financial system collapse हो जाएगा। and for that, ensuring that ये fail ना हो, उनको कुछ additional higher standards maintain करने पड़ते हैं with respect to उनका जो उनको deposit जो maintain करने पड़ते हैं, जो CRAR ratio है, tier 1 capital है, उनको additional maintain करना पड़ता है। तो एक important चीज आपको चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंटली वी हैव 3 बैंक्स जो आपको पता चाहिए, जो इंडिया ने लिस्ट किए हैं। एक तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। दीज थ्री बैंक्स आर डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज हमने IMF, हमने वर्ल्ड बैंक फर्स्ट लेक्चर में देखा, हमने IMF देखा। और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में है इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर देखोगे तो दे आर प्लान टू सेट अप क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन इंडिया. देयर वाज वन मोर न्यूज विद रिस्पेक्ट टू एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट होता है, उन्होंने भी इंडिया का फोरकास्ट बोला है कि इट वुड बी 6.4%. देन देयर वाज अ मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स में रिफॉर्म चाहिए, दैट वाज अ न्यूज टॉपिक ड्यूरिंग G20 के वक्त. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड थे, दे सेड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन एशियन डेवलपमेंट बैंक. एंड दे ऑल्सो सेड दे आर गोइंग टू स्टार्ट एन इंपॉर्टेंट फैसिलिटी. अगर इस फैसिलिटी का नाम क्या है, इस फैसिलिटी का नाम है, ये न्यूज आर्टिकल से उठा रहा हूं, ये मेरा मतलब इट्स इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दिस इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक है तो ये किसका है, ऐसे आ सकता है, तो ये किसका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव है, एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको जानना जरूरी है बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. इतने डेप्थ में अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा. एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1966 में एस्टैब्लिश हुई थी, विच इज अ मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. इसमें कितने मेंबर्स हैं, 68 मेंबर्स हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम एशिया बट एशिया पैसिफिक से भी, यूएस भी इसका मेंबर है. एंड बेसिकली फोकस इसका यही है टू बिल्ड प्रॉस्परस इंक्लूसिव रेजिस्टेंट रेजिलियंट सस्टेनेबल एशिया पैसिफिक को एस्टैब्लिश करना, पॉवर्टी रिमूव करना, ये इनका एम है. मेजर शेयर होल्डर यहाँ जापान एंड यूएस है, दोनों के पास 15.6% है. देन वी हैव चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो एक इंपॉर्टेंट आपको पता चाहिए. हेडक्वार्टर मनाली फिलीपींस में है. एंड रिपोर्ट इट ब्रिंग्स आउट इज एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है. बट द इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी, दैट इज इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक. तो बेसिकली थ्रू दिस फैसिलिटी वॉट IMF इज प्लान टू डू इज IMF इज प्लानिंग टू गिव ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इज प्लान टू डू इज इट इज प्लान टू गिव फंड टू डील विद क्लाइमेट चेंज इन एशिया एंड पैसिफिक. सो इट इज ट्राइंग टू गिव मोर फंड्स टू कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन टू डील विद क्लाइमेट चेंज, तो ADB का है. एंड कैसे देगा, जो फंड्स एडिशनल फंड्स जो ADB देगा फॉर कंट्रीज टू डील विद क्लाइमेट चेंज, दैट वुड बी मतलब ये फैसिलिटी क्या करेगा, ये जो फैसिलिटी है दैट वुड एक्ट एज ए इंश्योरेंस टू ADB. तो ADB कैन गिव, तो इस फैसिलिटी से इफ देर इज एनी लोन विच इज गिवन बाई ADB टू क्लाइमेट चेंज, अगर वो फेल करता है तो इस फैसिलिटी से ADB को पैसा मिलेगा. सो बेसिकली वॉट इट इज ट्राइंग टू डू इज दिस मतलब ये फैसिलिटी से ADB can give more loans to deal with climate change in Asia and Pacific region. तो एक important चीज़ आपको पता चाहिए. इतना याद रखो, innovative finance facility for climate in Asia and Pacific is a basically it's a partnership through which what we are trying to do is ये एक partnership है जिससे ADB would give additional funds to deal with climate change in Asia Pacific region. तो ADB के बारे में इतना जानना जरूरी है. Next is ADB is also planning to give rupee dominated bonds. ADB is trying to give masala bonds. ये सारे terms news में है. अगर आप देखोगे ये कब का news है, ये May 2023 का news है. तो basically masala bonds हमने already देखा था पिछले lecture में. Masala bonds are rupee dominated bonds which are released in other countries. ये outside India release होता है, इसलिए rupee dominated debt है India का, जो second highest है external debt में. तो ये basically are bonds or bonds which are released in external market but are released in rupee. अब इसका फायदा क्या है, किसको फायदा होता है रुपी मसाला बॉन्ड्स का, फायदा किसको है, जो लेता है या जो देता है, किसको फायदा है? तो बेसिकली जो इश्यूअर है, सो वो क्या करता है, जो इश्यू करता है बॉन्ड को, उसको मिनिमल रिस्क होता है. तो इश्यूअर ऑफ मसाला बॉन्ड फेसेस मिनिमल रिस्क. ठीक है, उसको जो रुपी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसको कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जो लेता है, जो क्रेडिटर है, क्योंकि ये क्रेडिटर कौन है, जो इन्वेस्टर है इस बॉन्ड में, दीज आर फॉरेन प्लेयर्स. अगर रुपी का प्राइस डम हो गया तो उसको क्या मिलेगा, कम, मतलब रुपी उतने मिलेंगे लेकिन इन डॉलर टर्म्स उसको कम मिलेगा. तो इसमें फायदा किसका है, इश्यूअर का फायदा है, डेबिटर्स का फायदा है. तो एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ करेंसी रिस्क किसके पास है, जो ले रहा है उसको किसमें पैसा, मतलब उसको पैसा वापस किस मतलब मिलेगा, वो रुपीज में मिलेगा. इमेजिन कि रुपीज का प्राइस कम हो गया, इट बिकम्स 85 रुपीज में मिलेगा, तो क्या होगा, उसको कम डॉलर्स में कम पैसा मिलेगा. तो बेसिकली जो क्रेडिटर्स है, जो इन्वेस्टर्स है इन दिस मसाला बॉन्ड, दे फेस करेंसी रिस्क. एंड जो इश्यूअर है उसको इश्यू रिस्क नहीं है, क्योंकि वो इश्यू किस में कर रहा है, रुपीज में, उसको वापस रुपीज में मिलने वाला है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए कि जो इश्यूअर है दे फेसेस लेस रिस्क, एंड जो इसमें इन्वेस्ट करता है उसमें उसको ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स होने वाला है. फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, रुपीज में
मतलब उनको रिटर्न्स किस में मिलेंगे, रुपीस में मिलेंगे। अगर इमेजिन करो कि रुपीस डिप्रिशिएट करता है तो क्या होगा, उनको रुपीस उतना ही मिलेगा लेकिन डॉलर टर्म्स में वो कम रहेंगे, डॉलर टर्म्स में कम रहेंगे। तो यहाँ जो इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, दे फेस अ ह्यूज रिस्क इन मसाला बॉन्ड। अब महाराजा बॉन्ड इज ऑल्सो इन न्यूज, क्योंकि ब्रिक्स इज प्लानिंग टू इशू महाराजा बॉन्ड। ये न्यूज में था, रिसेंटली न्यूज में है कि महाराजा बॉन्ड आर बेसिकली, इनिशियली ये किसने स्टार्ट किया था, ये IFC ने स्टार्ट किया था। बेसिकली दीज आर रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स विच आर रिलीज्ड इन इंडिया। ये रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, विच इज नॉट रिलीज्ड आउटसाइड इंडिया बट विद इन इंडिया, इट इज रिलीज बाय फॉरेन बैंक्स। तो इसमें NDB भी रिलीज कर रहा है, IFC ने भी प्रीवियसली रिलीज किया था। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, व्हाट इज मसाला बॉन्ड एंड महाराजा बॉन्ड। महाराजा बॉन्ड इज रिलीज विद इन इंडिया, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू NDB, हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देख लिया, NDB इज ऑल्सो न्यूज, रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि NDB इज ऑल्सो प्लानिंग टू इशू महाराजा बॉन्ड। सेकेंडली NDB इज प्लानिंग टू प्रोवाइड लोन्स टू गुजरात। तो NDB इज न्यू डेवलपमेंट बैंक विच हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के अंडर ये एस्टैब्लिश हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये आपको पता चाहिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, क्योंकि यहाँ भी एक कंफ्यूजन है। रिसेंटली देयर हैज बीन न्यू मेंबर्स इनटू ब्रिक्स, बट आर ऑल ब्रिक्स मेंबर्स पार्ट ऑफ NDB या ऑल NDB मेंबर्स आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स? तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ जानना जरूरी है कि वी हैव ये NDB है, ये ब्रिक्स ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? ब्रिक्स ने स्टार्ट किया था। ब्रिक्स ने क्या स्टार्ट किया? NDB। सो NDB क्या ऑल ब्रिक्स मेंबर्स आर पार्ट ऑफ NDB? ऐसा नहीं है। डू ऑल मेंबर्स ऑफ NDB आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश NDB का मेंबर है लेकिन वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। ब्रिक्स में यू हैव मतलब कंट्रीज हु आर नॉट पार्ट ऑफ NDB। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ कंफ्यूजन UPSC करवा सकता है आपका। तो बेसिकली NDB इज एस्टैब्लिशिंग, ये कब न्यू डेवलपमेंट बैंक कब एस्टैब्लिश हुई? 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर ब्रिक्स। फोर्टेजला डिक्लेरेशन के बाद एस्टैब्लिश हुई थी। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ इंपॉर्टेंट है वन कंट्री हैज वन वोट, तो एक इंपॉर्टेंट है ये। एक जो वर्ल्ड बैंक में यू हैव वोटिंग परसेंटेज बेस्ड ऑन कोटा एंड, तो ऐसा नहीं है, एवरी कंट्री हैज वन वोट। एंड बेसिकली द बैंक वुड प्रमोट support public and private projects through loans and guarantee equity participation and financial instruments. So basically it would provide loans, financial instruments mein invest karega, equity participation karega, and it would help the BRICS members and other members also, not just BRICS but similar emerging economies ko bhi help karega. Ab yahan members dekhoge to yahan Brazil hai, Russia hai, India hai, China hai, South Africa hai, Bangladesh, who is not member of BRICS, is part of this. Egypt has become recently become part of it. UAE has recently become part of BRICS ke part hua hai, lekin they are part of NDB. So basically, agar NDB ki baat kare, matlab jo 15th summit hua tha BRICS ka, there we added few members, jaise we added Egypt, Iran, Saudi Arabia, UAE, Ethiopia, Argentina. All these are new members, but Ethiopia is not member of hamare NDB. Saudi Arabia is not a member, ठीक है? Saudi Arabia is not a member, Argentina is not a member, Iran is not a member. तो ये हमारे members नहीं हैं आपके, ठीक है? तो ये एक important चीज़ आपको पता चाहिए। Membership मतलब basically same thing discussed यहाँ किया है। Again another financial institution, जो last financial institution हम discuss करेंगे is Asian Infrastructure Investment Banks, क्योंकि while we started with IMF एंड वर्ल्ड बैंक, लेकिन दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अगर आप साथ में करोगे तो याद रहेगा, चीजें याद रहेगी। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 2016। सो बेसिकली इट इज अ चाइनीज वर्जन टू व्हाट डू यू से, क्योंकि IMF एंड वर्ल्ड बैंक में EU एंड US का डोमिनेंस है, तो चाइना इसको ब्रेक करना चाहता था। सो दे एस्टैब्लिश एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सो दैट दे कैन मेजरली फंड देयर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको फंड कर पाए। इसलिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट, उन्होंने खुद का एक बैंक बनाया। इसमें प्रेजेंटली 106 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, USA इज नॉट पार्ट ऑफ इट, ये आपको पता चाहिए। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट होल्डर्स। यहाँ चाइना सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय इंडिया। तो एक इंपॉर्टेंट, इंडिया के पास सबसे ज्यादा शेयर है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है एंड वोटिंग राइट्स एज आई टोल्ड यू, इसमें सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा चाइना के पास है, फॉलोड बाय इंडिया। एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो आज के लेक्चर में वी लुक्ड इनटू, मतलब सो बेसिकली आज के लेक्चर में वी कवर्ड रिवर्स ट्रांजिट पोजिशन कवर किया। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, मैं तब तक हम लास्ट में रिवाइज करेंगे। एड्रेस दिस क्वेश्चन।
आई वॉन्ट एवरी वन टू कमेंट I want everyone to comment on this. ये तो सही है, हमने डिस्कस किया, ये सही है क्या? नहीं है। एशियन डेवलपमेंट में चाइना सॉरी यूएसए एंड जापान जापान एंड ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो 1 and 3 इज राइट इन दिस इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स रिवाइज, हमने क्या क्या देखा, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, बट अगर रिवाइज करेंगे, मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा आफ्टर द सेशन। इस वीडियो का टारगेट हम 1500 लाइक्स रखेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इंश्योर कीजिए कि 1500 लाइक्स, वी हैव अ कमांड। एंड कमेंट्स में आपको बताइए कि आपको और सेशन चाहिए, तो मतलब डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको सेशन कैसे लगता है। तो लेट्स रिवाइज, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ हमने आरटीपी देखा। एवरीवन रिमेंबर्स आरटीपी क्या है? आरटीपी के बाद हमने एसडीआर देखा, एसडीआर के बाद हमने आईएमएफ देखा, आईएमएफ के बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, क्योंकि इनका सिमिलर फंक्शन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बाद हमने देखा बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अंडर है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंडर, वी हैव बैंक बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये भी हमने देखा। हमने देखा कि दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ग्लोबल लिस्ट ऑफ सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। हमने डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी देख लिया, ये दोनों कवर कर लिया हमने। फिर देखा, हमने क्या देखा, एफएसबी देख लिया हमने साइड बाय साइड, ठीक है, हमने ये पार्ट देख लिया, ठीक है ये पार्ट देख लिया। देन वी लुक्ड इनटू, हमने वी कवर्ड मसाला बॉन्ड्स एंड महाराजा बॉन्ड्स, हमने वो कवर कर लिया, ठीक है हमने इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों न्यूज में है, द 5-6 आर्टिकल्स, इसका सब कुछ हमने देख लिया। हमने इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक देख लिया, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है, ये इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक के अंडर है, रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स देने वाला है, दैट इज मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स क्या है, इसमें किसको प्रॉब्लम है, किसको दिक्कत है, जो लेता है उसको दिक्कत है, एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको करेंसी रिस्क बेयर करना है, क्योंकि ये बाहर कंट्रीज में रिलीज होता है। देन वी हैव ब्रिक्स इज प्लान टू गिव महाराजा बॉन्ड, ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स बैंक मतलब हमारा एनडीबी, हमने एनडीबी कवर कर लिया, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन मेंबर्स है, दो ऑल ब्रिक्स मेंबर्स आर नॉट एनडीबी मेंबर्स, ऑल एनडीबी मेंबर्स आर नॉट ब्रिक्स मेंबर्स, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी देख लिया, बिकॉज इट इज इन न्यूज, रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है इसमें क्या है, ठीक है चलेगा। हमने ये एमसीक्यू भी देख लिया। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है, मैं इसके नोट्स इमीडिएटली सबमिट करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 1500 लाइक्स जब होंगे वी विल हैव द नेक्स्ट सेशन। सो आपका टारगेट है कि आप जितना शेयर करोगे उतना आपको इनपुट्स मिलेगा थ्रू दिस लेक्चर्स। पूरा इकोनॉमी हम कंप्लीट करेंगे, डू नॉट वरी, इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू फॉलो दीज लेक्चर्स। आराम से देखिए, नोट्स के साथ देखिए, यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। कमेंट्स में वी आर गोइंग टू गिव अवे कंडक्ट करने वाले हैं, जो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि विच कोर्स टारगेट यूपीएससी का आपको चाहिए। हम 10 लकी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके उनको ये 10 कोर्स हम फ्री में देने वाले हैं। तो राइट डाउन योर नेम, मतलब नॉट योर नेम बट राइट डाउन विच टारगेट यूपीएससी कोर्स वुड यू लाइक टू वॉच, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट बाकी कोर्स के लिए भी आ रहे थे हमारे पास। हमारे ऑलरेडी सारे कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल, लेकिन अगर आपको कोई कोर्स चाहिए हमारे साइड से, तो 26 जनवरी के ओकेजन पर वी आर रनिंग अ गिव अवे, जहां आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। आप लकी रहे तो आपका आईडी जो है हम सिलेक्ट करेंगे, विल पर्सनली सिलेक्ट नेक्स्ट सेशन में, या उसके पहले हम आपको कनेक्ट करके हम मतलब सबके सामने इसको सिलेक्ट करके आप सबको देंगे, चलेगा। तो
कमेंट्स आप बताइए कि आपका कौन सा कोर्स, हमारे जो एग्जिस्टिंग कोर्सेस है उसमें से कौन सा कोर्स आपको चाहिए. सो वील सिलेक्ट 10 लकी विनर्स एंड वील गिव देम. चलेगा? ठीक है, चलेगा. कमेंट्स में करना है, यहाँ नहीं, लाइव सेशन में नहीं, कमेंट्स में करना है, सो दैट वी सिलेक्ट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम आर साइड. इकोनॉमी कंप्लीटली फ्री होने वाला है फ्रॉम आर साइड, सो मेक श्योर इकोनॉमी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो हम करवा रहे हैं SDR, इतने डिटेल्स में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको, IMF नहीं पढ़ाया होगा. SDR के लिए IMF की वेबसाइट भी हमने पूरा पढ़ लिया. जनरल कोटा रिव्यू क्या होता है, जनरल कोटा इज बेसिकली हर एक कंट्री के पास कितना कोटा होगा, हम जनरल कोटा रिव्यू के थ्रू डिस्कशन होता है, उसमें डिस्कशन होता है. तो एवरी कंट्री गेट्स मोर कोटा ये जनरल कोटा रिव्यू के थ्रू. एंड जब कोटा बढ़ेगा तो उसको SDR एलोकेशन बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा. ठीक है, लेकिन कोटा बढ़ता है तो उसको एडिशनल फंड्स भी देना IMF को, क्योंकि कोटा इज लाइक अ मेंबरशिप फीस. ठीक है, चलेगा. होप टू सी यू इन द थर्ड सेशन. अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखना है, यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट इनपुट्स. चलेगा, चलेगा. थैंक यू एवरीवन.